हे गाइस गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज हम बात करेंगे ट्रेन टिकट कैसे बुकिंग करें मोबाइल से। जैसे कि आपको कहीं भी ट्रेवल करना है, जैसे कि ट्रेन से ट्रेवल करना है, तो आपको ट्रेन टिकट कैसे बुकिंग करें मोबाइल से, इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए आपको मोबाइल से कैसे आपको ट्रेन टिकट बुकिंग करना है। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप सबसे पहले देख पाए। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको IRCTC का एप्लीकेशन ओपन करेंगे, नजदीकी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना IRCTC का एप्लीकेशन। उसके बाद आपको गोबिट का अलावा आएगा, आपको ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर आपको लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड या जो भी आपको पिन बनाया उसको पिन को डाल के आपको कैप्चा डाल के लॉगिन आइकन पर क्लिक कर लेना है। अपने IRCTC का अकाउंट नहीं बना कर रखा है तो आपको यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चेकआउट कर लीजिएगा अकाउंट कैसे बनाते हैं IRCTC में। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना जो भी आपको IRCTC का पासवर्ड और कैप्चा डाल के। जैसे कि मैंने लॉगिन पिन बना के रखा तो मैंने पिन डाल दिया 4 डिजिट का। उसके बाद आपको कैप्चा डाल देना, जो भी आपको कैप्चा सेम लिखा हुआ है। उसके बाद आपको लॉगिन आइकन पे क्लिक करेंगे। आप लॉगिन आइकन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पे देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, कुछ लोडिंग लेगा, यूजर वेरिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर वेरिफिकेशन होने के बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे ट्रेन टिकट को बुकिंग करने के लिए प्लेन माई जर्नी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको फॉर्म में कहाँ से जाना है आपको यहाँ पे फॉर्म में टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं जोधपुर से जा रहा हूँ तो यहाँ पे जोधपुर में टाइप करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपका नाम टाइप करते हैं आपको यहाँ पे सजेशन बार में आपका स्टेशन का नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको टू में टाइप करेंगे जहाँ तक आपको जाना है। जैसे कि मुझे जाना है न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर देखिए आपको न्यू दिल्ली टाइप करते हैं आपका नीचे में न्यू दिल्ली आ जाएगा। जैसे आप टाइप करेंगे उसके बाद आपको न्यू दिल्ली का नेम आ जाएगा, न्यू दिल्ली के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर्म में जोधपुर है और टू में न्यू दिल्ली। जैसे कि जोधपुर से न्यू दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए आपको क्लास में चॉइस करेंगे ऑल, आपको यहाँ पे देखिए जनरल में रहने दे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, सबसे नीचे आपको यहाँ पे देखिए आपको डेट को सिलेक्ट करेंगे जिस डेट को आपको जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ जो भी आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं जैसे कि जिस डेट को जाना है, लेकिन आपको 20 दिन के पहले ही आपको टिकट करा लेना है रेलवे का ताकि आपको कंफर्म सीट मिले। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ट्रेन आपको यहाँ पे सर्च हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ आपको कंफर्म सीट मिलने के लिए 20 दिन से पहले आपको टिकट को करवाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 23 मार्च को चॉइस किया है। उसके बाद आपको 23 मार्च को कितने सीट अवेलेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जितने भी ट्रेन जा रहे हैं पूरा ट्रेन का आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको कौन सा ट्रेन में जाना है आपको यहाँ पे टाइम के हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग हिसाब से आपको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए साइड बार में आपको एक चीज दिख रहा है जैसे कि लोकेशन मैप की ऑप्शन, मैप पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, जो भी ट्रेन का है वो ट्रेन का जहाँ तक जाता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा पॉइंट आपको दिख जाएगा। चलिए मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका ट्रेन आपको यहाँ पे देखिए आपको जा रहा है कि नहीं, आपके स्टेशन से जा रहा है या दूसरे स्टेशन का आपके स्टेशन पे आ रहा है। आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपको पूरा बायोडाटा आपको दिख जाएगा, आपका ट्रेन कहाँ से आ रहा है कहाँ तक जा रहा है, तो आपको पूरा बायोडाटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सारी चीज़ आपको देख लेना है, आपका ट्रेन आपके स्टेशन पर आएगा कि नहीं, आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करेंगे यहाँ पे देख के बाद आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास पर जाना है या सेकंड क्लास पर जाना है या आपको जनरल पर जाना है आपको यहाँ पे चॉइस करेंगे, ठीक है। आपको देखिए जो भी आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे कितना सीट अवेलेबल है आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह पूरा ग्रीन ग्रीन है मतलब आपका सीट अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे सीट अवेलेबल भी आपको दिखाया जाएगा, नॉन अवेलेबिलिटी भी दिखाया जाएगा, जैसे कि RAC भी दिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि RAC में टिकट बुकिंग करेंगे तो आपको कंफर्म टिकट बुकिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जो भी आपको प्राइस के हिसाब से प्राइस भी दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपको 3rd AC 2AC उसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको ट्रेन का नेम दिख जाएगा, साइड में आपको लोकेशन का मैप दिख जाएगा। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे देखिए आपको जैसे कि आपको WL का मतलब वेटिंग लिस्ट, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे ट्रेन का नंबर ट्रेन का नेम दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको 3rd AC में आपको WL3 का मतलब होता है कि जैसे कि वेटिंग लिस्ट 90%, जैसे कि आपको 90% चांस है कि आपको यहाँ पे टिकट कंफर्म होने का, ठीक है। आपको यहाँ पे WL3 मतलब 3 वेटिंग लिस्ट अभी चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको 2A का मतलब होता है कि सेकंड AC में WL3 मतलब 3 वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। आपको 80% आपको यहाँ पे चांस है, जैसे कि अगर आप टिकट करना चाहते हैं 80% चांस है कि आपका टिकट कंफर्म हो जाए। अगर आपको टिकट करना तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको मैं देखिए कंफर्म टिकट करने वाला तो सबसे ऊपर आपको यहाँ देखिए मैं कंफर्म सीट वाले को ट्रेन को चॉइस करूंगा ताकि मुझे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं दूसरे
रेट है, जैसे कि आपको 30 AC 2nd AC दिखा रहा है। आपकी प्राइस के हिसाब से कौन सा ट्रेन में जाना, आपको यहाँ पे ट्रेन में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो भी आपको स्पेशल क्लास में जाना है आपको यहाँ पे चॉइस कर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने स्लीपर क्लास में लिया हुआ, जैसे कि SL स्लीपर मार्च को जाना है 23 तारीख को। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप सीट अवेलेबल देख रहे हैं, जैसे कि 34 सीट अवेलेबल है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको कंफर्म आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको फिर से आपको ओके पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको पैसेंजर डिटेल देंगे, जैसे कि आपका नाम वगैरह, आप कितने लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका नाम डालेंगे, जो भी आप पैसेंजर जा रहे हैं, जैसे कि आप खुद जा रहे हैं तो आपका खुद का नेम डालेंगे, उसके बाद आपको येस डालेंगे, जो भी आपको कितना उम्र है, उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको बर्थ प्रिपरेशन, जैसे कि आपको कौन सा सीट चाहिए, आपको यहाँ पे जो भी आपको सीट का नेम भी चॉइस करें, जैसे कि आपको नीचे का ऊपर का जो भी सीट चाहिए आप चॉइस कर सकते हैं, जैसे कि आपके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको सबसे नीचे आपको यहाँ पे देखिए ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे पूरा डिटेल्स ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए आपका नेम आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको न्यू पैसेंजर और भी ऐड करना है, तो आपको एक साथ 2-3 पैसेंजर जा रहे हैं, जैसे कि आप दोस्त भाई फैमिली कोई भी जा रहा है, तो आपको यहाँ पे देखिए ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फिर से उसी तरह आप यहाँ पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको ऐड इन्फेंट का मतलब होता है कोई भी बच्चे है आपके पास जा रहे हैं ट्रेवल में, तो आपको बच्चे का नेम भी आप यहाँ पे ट्रेवल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए पैसेंजर का मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन जो भी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे आप नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए पूरा एड्रेस डालेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस डालेंगे। चलिए मैं फटाफट से एड्रेस को डालता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, जैसे आप पिन कोड टाइप करेंगे, पिन कोड को टाइप करेंगे आपको देखिए आपका पोस्ट ऑफिस का नेम आ जाएगा, आपको पोस्ट ऑफिस का नेम को सिलेक्ट करेंगे, आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उसके बाद स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको पेमेंट मेथड में आपको यहाँ पे देख पा रहे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग उसके बाद वॉलेट अदर से कोई भी अदर से पे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए 15% आपको GST लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे भीम UPI द्वारा, जैसे कि आपको भीम UPI द्वारा पे करना चाहते हैं आपको 10% GST लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं भीम UPI को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ट्रेवल इंश्योरेंस, जैसे कि आपको इंश्योरेंस लेना तो आपको यस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको इंश्योरेंस नहीं लेना तो आपको नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए रिव्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, रिव्यू डिटेल्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा, जैसे कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किया, जैसे कि आपका नाम हो गया, कहाँ से आप जाना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं, टोटल चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका डेट दिखाया जाएगा। उसके बाद आप नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप अच्छी तरह आपको चेक कर लेना जो भी आपको डिटेल्स को फिल किया है, उसके बाद आपको नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे आप नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको कैप्चा फिल करेंगे टाइप हियर पे, आपको यहाँ पे देखिए टाइप हियर आपको कैप्चा फिल करेंगे, अगर आपको कैप्चा का समझ में नहीं आता तो आपको रिफ्रेश आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर रिफ्रेश आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फिर से आपको रिफ्रेश आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से कैप्चा दिखाई दे रहा है, जो भी आपको यहाँ पे देखिए ABCD में जो भी आपको दिखाई दे रहा है सेम आपको यहाँ पे टाइप हियर पे टाइप कर देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ। इसी तरह आपको टाइप करके आपको यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, चलिए मैं टाइप कर दिया। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, जैसे आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे यस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ लोडिंग लेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट मेथड सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि भीम UPI द्वारा पे करना चाहते हैं, किसी भी फोन पे गूगल पे द्वारा पे करना चाहते हैं तो आपको UPI के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि चलिए मैं भीम UPI द्वारा पे करना चाहता हूँ क्योंकि मैं फोन पे द्वारा इसको पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको भीम UPI पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको क्या करेंगे, एक गोल सा भीम UPI की साइड में आपको गोल एक टिक मार्क करेंगे, जैसे आप टिक मार्क करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे देखिए आपको क्या करेंगे UPI के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप चाहते हैं पेटीएम से पे करना तो पेटीएम पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं UPI द्वारा पे करना चाहता हूँ, UPI पे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे UPI ID डालेंगे, जो भी आप UPI ID से पे करना चाहते हैं, चलिए मैंने एक UPI ID डाल दिया। उसके बाद आपको पे पर क्लिक करेंगे, जैसा पे पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फोन पे का मैंने UPI ID डाला, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फोन पे में एक रिक्वेस्ट आ चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन बार में, आपको पे पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट फोन पे में चले जाएंगे, उसके बाद आपको फिर से आपको पे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको सेंड पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैनरा बैंक से पे हो रहा है, आपको सेंड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका UPI पिन है UPI पिन डालेंगे, उसके बाद आपको जैसे आप UPI पिन डालेंगे UPI पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट से आपका पेमेंट कट चुका है, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे सक्सेसफुल। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे विंडो पे चले जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे इस तरह से विंडो पे आ जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा
थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग होगा, कुछ नहीं करना, आप बैक बटन मत दबाइए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको टिकट कंफर्म हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके पास टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका कौन सा सीट नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका पैसेंजर का नेम, आपको पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पैसेंजर का इंफॉर्मेशन के अंदर, उसके बाद आपका टिकट कंफर्म बुक हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।